6, आज हम लोग पेज 41 में आफ्टर नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स को कंटिन्यू करेंगे। नॉन मेटल्स तक मैंने पढ़ा दिया था, तो मेटलॉइड्स के बारे में जानते हैं। तो मेटलॉइड्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी होती हैं। तो वैसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ ऐसे मेटलॉइड्स हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हमारे पेंसिल, जो ये तो पेन है, पेंसिल का जो लीड होता है, ये वाला पोर्शन, वो क्या होता है? वो मेटल लीड का नहीं बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मेटलॉयड यूज़फुल है और ज़्यादा पाया जाता है वो है सिलिकॉन। उसके बाद चले आते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस और नॉर्मल गैसेस के बारे में जान लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, वैसे गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन, दीज आर द इनर्ट गैसेस और नॉर्मल गैसेस। दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं या नॉर्मल गैसेस कहते हैं या अनरिएक्टिव गैसेस भी कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल से नाम है। तो हम लोग यहाँ पर ये जान रहे थे कि मेटल्स जो है, ये सब्सटेंस जो है, प्योर और इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम लोग ने पढ़ा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और इनर्ट गैसेस में। कल हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना, आज हम लोगों ने मेटलॉइड्स और इनर्ट गैसेस के बारे में जाना। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, और उनके एग्जाम्पल्स। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कुछ सिंबल होता है, और जब वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। तो सिंबल क्या है? सिंबल एक नोटिफिकेशन है, एक कैटेगरी, कोई भी लेटर से क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सिंबल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में बोरॉन का सिंबल कैपिटल बी, कार्बन का सिंबल कैपिटल सी, फ्लोरीन का सिंबल कैपिटल एफ, ऐसे करके बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं सभी एलिमेंट्स के, है ना। अब कुछ कुछ जो है एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके, जैसे यहाँ पर क्या था, जो नाम है एलिमेंट का बोरॉन, तो बी कैपिटल लेटर है। कार्बन का सिंबल सी कैपिटल लेटर है। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके की एलिमेंट्स के नाम से हम लोग सिंबल डिराइव नहीं करते हैं, उनके लैटिन नेम से या अदर किसी लैंग्वेज में जो नेम है उससे सिंबल डिराइव करते हैं। जैसे कि सिल्वर है, तो यहाँ पे कैपिटल एस तो नहीं है, यहाँ पे सिल्वर का जो नेम है दूसरे लैंग्वेज में, लैटिन में क्या है? अर्जेंटनम है, तो ए जी इसका सिंबल हुआ, कैपिटल ए स्मॉल जी। गोल्ड, इसका लैटिन नेम क्या है? ऑरम है, तो कैपिटल ए स्मॉल यू। कॉपर, क्यूप्रम, सी यू। आयरन, फेरम, एफ ई। तो ये लैटिन नेम के बेसिस पे सिंबल है कुछ कुछ के, और कुछ कुछ के सिर्फ जो उनका नेम है इंग्लिश में उसी के बेसिस पे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो टेबल है वो लर्न करना है। अब हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, और यहाँ पर इस पेज में कुछ और भी चीज़ें हैं जानने की, जैसे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो जब एक तो टेबल हम बनाते हैं जिसमें कि एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आप लोग को पता ही है कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनको एक टेबल में अरेंज किया गया है, उसी टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आज आप लोग इतनी जानिए, इसको पढ़िए, स्टडी करिए, सिंबल्स को लर्न करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।